हेलो दोस्तों, सीआरटी टीवी का तीनों मेन कलर होता है जो आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो दोस्तों, ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या देखा जाता है कि तीनों कलर का कॉम्बिनेशन, आप देख लीजिए। और कोई भी कलर मिसिंग हो जाएगा तो कौन सा कलर आ जाएगा, आप ये पिक्चर देख के आइडिया कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो तीनों कलर जो पिक्चर ट्यूब पर जाता है, तीनों कलर पिन पर, तो दोस्तों जब पिक्चर ट्यूब तीनों कलर पिन पर जाता है, वो एक डॉट से पिक्चर ट्यूब का मिडिल पर आता है, और उसका बाद ये कॉयल कनेक्शन देने के बाद वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली वो फुल स्क्रीन काट देता है और इसी तरह ये आउटपुट देता है। तो दोस्तों ठीक है, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं सीआरटी टीवी का जो कलर प्रॉब्लम आता है वो डिटेल इस वीडियो में मैं क्लियर कर देगा। तो दोस्तों, सीआरटी टीवी के अंदर जो कलर प्रॉब्लम होता है वो हमेशा ही बेस बोर्ड से होता है। तो दोस्तों, मार्केट पर जो पीसीबी भी मिलता है, तीनों टाइप बेस बोर्ड देखा जाता है। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये जो बेस बोर्ड, फर्स्ट तो ये जो बेस होता है, ये बेस स्मॉल बेस और बिग नेक वाला बेस, दोनों टाइप बेस होता है। तो दोस्तों, ये बिग नेक वाला बेस है और ये देखिए स्मॉल नेक वाला बेस है, क्योंकि इसका जो पिन ये कम है और बिग नेक वाला जो पिन ये बड़ा है। तो ये पिक्चर ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पिन का बेस आपको पीसीबी बेस बोर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको क्लियर कर देता हूँ कि तीनों टाइप जो बेस होता है, एक बेस देखा जाता है कि बेस बोर्ड देखा जाता है कि तीनों ट्रांजिस्टर वाला बेस बोर्ड। ओके, आप देख सकते हो मेरा पास ये जो बेस बोर्ड है, ये तीनों ट्रांजिस्टर वाला बेस बोर्ड है। तीनों जो ट्रांजिस्टर, ये तीनों कलर के लिए यूज़ किया जाता है, जो तीनों कलर आरजीबी होता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए। ओके, और एक टाइप बेस बोर्ड देखा जाता है, मेरा पास है ये बेस बोर्ड, ये 9 ट्रांजिस्टर वाला बेस बोर्ड देखा जाता है। तो दोस्तों, एक एक कलर एम्पलीफाई करने के लिए तीनों ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, क्योंकि मान लो ये जो तीनों ट्रांजिस्टर, ये रेड के लिए, और ये तीनों ट्रांजिस्टर ग्रीन, और ये तीनों ट्रांजिस्टर ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक भी बेस बोर्ड देखा जाता है कि बेस बोर्ड पर ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं किया है, इस टाइप आईसी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो आईसी, इस पर मेरा पास जो पीसीबी बेस बोर्ड है, ये TDA6107JF का आईसी, ये बेस आईसी यूज़ किया है। तो दोस्तों देखिए, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, आपको कलर प्रॉब्लम के ऊपर जो डाउट, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको बता देता हूँ, ये जो बेस बोर्ड, तीनों ट्रांजिस्टर वाला जो बेस बोर्ड होता है, ये बेस बोर्ड के बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बना के रखा है। इसका टोटल जो कंपोनेंट, जो पार्ट्स, ये टोटल और ये इसका जो वोल्टेज, ये सभी डिटेल्स मैं एक वीडियो बना के रखा है। तो ये पीसीबी के ऊपर डिटेल आप सीखना चाहता हो, जानना चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर आप देख सकते हो मेरा वीडियो का एक लिंक दे देगा। और दोस्तों, ये जो आईसी वाला बेस बोर्ड है, ये इसका ऊपर मेरे चैनल पर एक भी डिटेल वीडियो है, इसका टोटल पार्ट्स और आईसी का बायसिंग और जो वोल्टेज पिन और आउट पिन, इसका टोटल डिटेल मैं इसका ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका भी एक लिंक दे दिया, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद दोस्तों देखिए, इस पर जो नॉट ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड यूज़ किया है, इसका ऊपर मेरा डिटेल वीडियो नहीं है, तब भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली ये बिग नेक वाला जो बेस का पिन है और ये स्मॉल नेक वाला जो बेस का पिन है, ये ड्राइंग थोड़ा सा अलग होता है। तो ठीक है, इसका ड्राइंग एक बार देख लीजिए, कौन कौन पिन आरजीबी का होता है और कौन पिन फिलामेंट सप्लाई का होता है, ठीक है। मैं ड्राइंग दे देता हूँ, एक बार देख लीजिए, तब भी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये
एक बिग नेक वाला बेस है। ओके तो ये देखिए इधर साइड मैंने थोड़ा सा पिन करके रखा है, आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों इधर से आप जब गिनती करे, ये पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ, देखिए पीछे साइड से आपको दिखाता हूँ, ये जो पिन फर्स्ट वाला ये ओपन है। ओके और उसका बाद ये बी कैथोड का ब्लू कलर कैथोड का पिन है, और उसका बाद ये हीटर का पिन है जो फिलामेंट सप्लाई जाता है इस पर, और उसका बाद ये ग्राउंड का पिन है। ओके और उसका बाद ये जो पिन ये आर के मतलब रेड कैथोड का पिन है, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद जो पिन ये जी टू का पिन है, जिस पिन पर ई एस टी से कनेक्शन सप्लाई यहाँ पर आता है। ओके और उसका बाद जी टू का बाद जी के का पिन है, मतलब ग्रीन कैथोड का पिन है, ठीक है दोस्तों। तो ये बिग नेक वाला पिन का ड्राइंग है। और दोस्तों मार्केट पर जो जो नया पीसीबी देखा जाता है तो उस पर स्मॉल बेस भी आप लगा सकते हो, देखिए इस पर एक स्मॉल बेस का ड्राइंग है, इस पर आप स्मॉल बेस लगा सकते हो। और दोस्तों इसका पिन फंक्शन भी अलग है, आप देख सकते हो, देखिए इधर से आप गिनती करेगा तो 1 2 3 4 और पाँचों नंबर पिन ये रेड कैथोड का पिन है। और इस पर जो ये फॉइल लाइन आप ट्रैक करें तो देखिए ये पिन स्मॉल नेक का आर कैथोड का पिन होगा, क्योंकि दोस्तों जब इधर से स्मॉल नेक का पिन गिनती करेगा तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, तो ठीक है ये स्मॉल नेक और बिग नेक का फर्क आपको पहले याद रखना कि कौन सा पिन आपको कलर पिन होगा, ठीक है। और उसका बाद देखिए जब कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो, रेड कलर ग्रीन कलर और ब्लू कलर कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट आपको आसानी से कैसे आइडेंटिफाई करें जो उसका कलर प्रॉब्लम कौन पिन से होता है, ठीक है। तो आपको मीटर लेके 200 DC रेंज पर आपको रखना होगा, और ये जो तीनों कलर पिन होता है, तीनों 1 2 और 3 जो कलर पिन होता है, ये तीनों कलर पिन का वोल्टेज आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज होना चाहिए तो अधिक पीसीबी पर देखा जाता है कि 120 वोल्ट से 150 वोल्ट का बीच ये होता है, ठीक है दोस्तों। 120 वोल्ट से 150 वोल्ट का बीच ये देखा जाता है, तब भी थोड़ा सा कम बेसी वोल्टेज होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों उसका बाद कोई भी पिन का वोल्टेज बहुत जब ड्रॉप हो जाएगा तो आपको समझना होगा वो कलर सिग्नल लाइन का ही प्रॉब्लम है, तो आपको उसी लाइन को ट्रैक करना होगा। और उसका साथ ये पिन का साथ जो जो पार्ट्स मिलेगा, जो जो पार्ट्स मिलेगा वो लाइन को आपको देखना होगा। तो सपोज आप मान लीजिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बी के का लाइन है, तो ये बी के का जो लाइन है ये यहाँ से इधर एक रेजिस्टेंस है, आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, देखिए रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस का बाद ये देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का पिन पर चला जाता है। तो दोस्तों देखिए ये ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को साथ ये तीनों ट्रांजिस्टर कनेक्ट है। ओके तो ये जो तीनों ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों ये तीनों ट्रांजिस्टर, ये जो बी कैथोड का पिन है, ये ब्लू कलर के लिए ये तीनों ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, ये तीनों ट्रांजिस्टर ब्लू कलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जब कोई भी एक ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम देखा जाएगा और ये कलर का प्रॉब्लम देखा जाएगा तो आपको ये तीनों ट्रांजिस्टर को ही चेंज करना होगा। ओके तो इसी हिसाब से अलग अलग कलर प्रॉब्लम हो जाए तो तीनों जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो तीनों ट्रांजिस्टर को आपको चेंज करना होगा। तो उसका बाद ये जो लोड रेजिस्टर दिख रहे हो और ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस दिख रहे हो, ये कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है, तो ठीक है। और मार्केट पर जो चाइना पीसीबी होता है, इस पर ये पीसीबी अधिक यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अधिक डिस्कस कर देता हूँ, और इसके ऊपर तो वीडियो बना के मैं रखा है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स अंदर जाके ये वीडियो क्लिक करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये जो अलग अलग बेस आप देख रहे हो, देखिए ये बिग नेक वाला बेस, ये भी बिग नेक वाला बेस, लेकिन इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है, और ये भी स्मॉल नेक वाला एक बेस, और दोस्तों मेरे पास देखिए ये एक स्मॉल नेक वाला बेस, इसका टाइप भी अलग है। तो दोस्तों ये बेस का ऊपर आप क्लियर जब जानने के लिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉलो कीजिए, तो इसका भी लिंक मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो आइए उसका बाद आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो पिक्चर का ऊपर, तो फर्स्ट
आपको ये जो तीनों रेजिस्टेंस देख रहे हो सभी पीसीबी पर ये देखा जाता है, ठीक है। ये जो तीनों मोटा वाला जो रेजिस्टेंस देख रहे हो, और ये देखिए ये पीसीबी पर ये तीनों जो मोटा रेजिस्टेंस देख रहे हो, और दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हो यह पर भी ये तीनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को आप कुछ टाइम लगभग 30 सेकेंड और 1 मिनट ऑन करने का बाद सेट स्टॉप कर दीजिए, और उसका बाद ये रेजिस्टेंस को आप टच कीजिए, यहाँ से इस तरह टच करने के बाद आप देख लीजिए जी कोई भी रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों तीनों ट्रांजिस्टर सेमी हीट होना चाहिए, ये ट्रांजिस्टर हीट होता है दोस्तों। ये जो लोड रेजिस्टेंस, सॉरी ये ट्रांजिस्टर नहीं है, सॉरी ये रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंस हीट होता है, तो दोस्तों सेमी हीट होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस अधिक हीट है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको एक नॉर्मल सा आइडिया हो जाएगा, और इसके साथ अब इसका जो ट्रांजिस्टर होता है ये भी आप इस तरह टच करके देख सकते हो, कोई भी ट्रांजिस्टर का सेक्शन अधिक हीट हो जाता है कि आपको देखना होगा। तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिस रेजिस्टेंस और जिस ट्रांजिस्टर, जिस सेक्शन का ट्रांजिस्टर हीट है तो वो सेक्शन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मल सा आइडिया, तो इस तरह एक फॉल्ट के बारे में मैं और क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, देखिए मैं एक ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा मैं ये मार्किंग करके रखा है, ये मिडिल ये जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा हीट होता है, और उसका बाद देखा जाता है कि ये जो मिडिल वाला रेजिस्टेंस ये ओवर हीट लगता है अब टच करने के बाद। तो इस तरह प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करें, तो दोस्तों जब ये देखेगा कि रेजिस्टेंस हीट है तो इसलिए इसका जो आउटपुट देखिए, फर्स्ट तो इस पर 180 वोल्ट तो आना चाहिए, ये वोल्ट तीनों रेजिस्टेंस पार होके अलग अलग ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, अलग अलग कलर सेक्शन को ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। तो मान लो ये जो रेजिस्टेंस देखिए, तीनों रेजिस्टेंस तीनों कलर ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, ओके। मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट है तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, और ये ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट वोल्ट देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से फर्स्ट ये रेजिस्टेंस से यहाँ पर वोल्टेज आता है, और वोल्टेज आने के बाद यहाँ से और एक भी रेजिस्टेंस दिया गया है, जो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ये कलर पिन पर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये रेजिस्टेंस हीट होगा तो आपको ये जो सप्लाई लाइन होता है, जो बेस, ये बेस जो पिन होता है कलर पिन, फर्स्ट ये पिन को आप ओपन कर दीजिए, ये रंग को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद तब उसका बाद आप देखिए इसका पास ये तीनों कलर पिन का वोल्टेज सेम है कि नहीं है, और ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस हीट होता है कि नहीं है। तो दोस्तों जब देखेगा ये पिन ओपन करने के बाद रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गया, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका जो कैथोड पिन, ये पिक्चर ट्यूब का जो कैथोड पिन, वो अंदर से शॉर्ट है, कि निगेटिव के साथ शॉर्ट हो सकता है, तो ठीक है। और उसके बाद आप देखेगा कि ये पिन ओपन करने का बाद तब भी ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये ट्रांजिस्टर का जो जो बायसिंग पीस, ये तो तीनों टंग है, तीनों टंग का साथ कोई भी पार्ट शॉर्ट होने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो बेस पर एक सिग्नल आता है, आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांजिस्टर का एक बेस पिन पर सिग्नल आता है कि दोस्तों ये जो वायर आप देख रहे हो, ये जो वायर, यहाँ पर तीनों कलर सिग्नल आता है पीसीबी से, तो दोस्तों ये जो वायर आप देख रहे हो ये पीसीबी से कनेक्ट होता है। तो ये सिग्नल लाइन प्रॉब्लम होने के लिए ये रेजिस्टेंस भी हीट हो सकता है, तो वो लाइन को आपको देखना होगा, क्योंकि किस तरह, मान लो ये ट्रांजिस्टर जो तीनों पिन होता है, आप कोई भी एक पिन को आप ओपन कर दीजिए, ये तीनों जो पिन होता है कोई भी एक पिन को आप सोल्डरिंग आयरन से ओपन कर दीजिए, तो उसका बाद आप फिर भी लाइन दीजिए, और आपको देखना होगा वो रेजिस्टेंस हीट हो रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों जब देखेगा कि रेजिस्टेंस हीट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों जिस पिन से आप ओपन किया है वो पिन को आप इस तरह, ये जो पिन लाइन देख रहे हो, आपको ट्रैक करना होगा, और उसके साथ जो जो कंपोनेंट है वो आपको चेक करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल से एक आइडिया आपको बता दिया, और दोस्तों उसका बाद
आपका एक पुराना पीसीबी लेके दिखा देता हूँ कि दोस्तों देखिए यह पुराना पीसीबी है, ठीक है। तो देखा जाता है कि आपको इस तरह ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा है। तो दोस्तों आप सबको ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया, बहुत पार्ट्स भी चेंज कर दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और कलर भी सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों देखा जाता है कि ये जो फॉयल लाइन ये बर्न हो जाता है क्योंकि ये जल जाता है, और ये ट्रांजिस्टर पर बहुत हाई वोल्टेज आता है, 180 वोल्ट आता है कि रेजिस्टेंस के बाद, तो इसलिए ये बहुत हीट होता है, और हीट होने के बाद इसका जो पीसीबी का जो लाइन ये अंदर से शॉर्ट हो जाता है क्योंकि ये आप आंखों से नहीं देख पाओगे। तो इसलिए ये फॉयल का लाइन देखिए, मैं ये पुराना लाइन ये लाइन को काट किया है। काट करने के बाद आपको इस तरह अलग अलग ट्रांजिस्टर को पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। जब इस तरह कनेक्ट करेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मार्केट पर अधिक पीसीबी पर इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। और उसका बाद दोस्तों आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये आप ध्यान दीजिए। मेरा पास एक पीसीबी है, ये मैं अलग कर देता हूँ। मेरा पास एक पीसीबी है, आपको पीसीबी लेके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो बेसबोर्ड, यहाँ से देखिए ये लाइन से जो कलर सिग्नल आता है, आपको उल्टा करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो सॉकेट आप देख रहे हो, ये जो सॉकेट आप देख रहे हो, यहाँ पर अब पिंट मिलेगा, आप देख सकते हो ये आर जी बी का आउट सिग्नल होता है। तो दोस्तों ये तीनों सिग्नल आईसी से अलग अलग पिन से आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये तीन पिन कौन कौन पिन होगा, तो दोस्तों अलग अलग कंपनी अलग अलग आईसी यूज़ किया है, तो अलग अलग आईसी का कलर आउट पिन अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको पता चलेगा तो अच्छा है। तो आपको और क्लियर करके वो देखने के लिए आपको आईसी का जो नंबर होता है, आईसी नंबर आप गूगल पर सर्च कीजिए डाटा शीट, और डाटा शीट पर आपको देखने को मिलेगा को 8GB जो पिन, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा पिन 8GB का पिन है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये 8GB का जो पिन वोल्टेज आपको चेक करना होगा, आपको 2 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। ये तीनों पिनों का वोल्टेज सेम होता है, ठीक है दोस्तों। और ये तीनों पिन का जो जो वोल्टेज, कुछ कुछ पीसीबी पर देखा जाता है कि जो बी सिग्नल का पिन वो वोल्टेज थोड़ा सा हाई देखा जाता है। तो दोस्तों कुछ कुछ पीसीबी का ये तीनों पिनों का वोल्टेज 3 वोल्ट देखा जाता है, तीनों पिनों पिन का वोल्ट 3 वोल्ट देखा जाता है, और बी पिन का वोल्टेज थोड़ा सा हाई भी देखा जाता है, तो ठीक है। और उसका बाद यहाँ से एक आई के वोल्टेज आउटपुट होता है कि दोस्तों ये LG का पीसीबी है, ये LG पीसीबी का आई के वोल्टेज IC से ही आउटपुट होता है जो बेस बोर्ड पर जाता है। और दोस्तों जो मार्केट जो पीसीबी होता है, मार्केट चाइना किट का जो IK का जगह आपको 9 वोल्ट देखना होगा, 8 वोल्ट और 9 वोल्ट जो वोल्ट डायरेक्ट रेगुलेटर से जाता है, और एक भी पिन ग्राउंड मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पिन पर वोल्टेज आपको प्रॉब्लम देखेगा, तो ये तीनों जो IC पिन होता है, ये देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस आपको देखना होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दीजिए, और नहीं तो आप तीनों IC का पिन आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप तीनों पिन का वोल्टेज चेक कीजिए कि तीनों वोल्टेज सेम है कि नहीं है। तो दोस्तों ये पिन पर वोल्टेज आपको कोई भी पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये प्रोसेसर IC भी प्रॉब्लम है। और दोस्तों और एक बात, कुछ कुछ पीसीबी पर देखा जाता है कि ये जो कलर सिग्नल पॉइंट होता है, ये जो तीनों पिन होता है, ये तीनों पिनों का साथ एक एक डायोड देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पीसीबी पर एक एक डायोड आप देख सकते हो, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये तीनों डायोड देखने को मिलेगा तीनों कलर पिन का साथ, कभी कभी ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, ये आपको देखना होगा, ओके। और दोस्तों देखिए ये डायोड का इधर पिन निगेटिव है और इधर पिन पॉजिटिव है। कुछ कुछ पीसीबी पर देखा जाता है कि ये IK का जो वोल्टेज व और ये जो 9 वोल्ट का जो लाइन होता है, ये 9 वोल्ट पिन से ये डायोड फॉरवर्ड कनेक्शन करके कनेक्शन देखा जाता है। तो कोई भी डायोड लीकेज होने के लिए दोस्तों एक्चुअली वो जो रेजिस्टेंस हीट होने का जो प्रॉब्लम, ये जो रेजिस्टेंस हीट होने का प्रॉब्लम, ये भी अधिक देखा जाता है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है दोस्तों।
और कलर प्रॉब्लम के ऊपर और जो होता है हम लोग क्यों देखा है कि जो जो देखा है जो CRT TV का PCB होता है, PCB के अंदर ये PTC देखा जाता है, ठीक है, PTC और NTC भी देखा जाता है। ये प्रॉब्लम के लिए कलर प्रॉब्लम, जो कलर पैच प्रॉब्लम वो भी देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक टाइप जो कलर प्रॉब्लम, जो रेनबो जो कलर प्रॉब्लम होता है, तो दोस्तों वो वर्टिकल सेक्शन से और वर्टिकल IC से प्रॉब्लम होता है। और वर्टिकल का जो जिस वर्टिकल IC का नेगेटिव सप्लाई देखा जाता है, वो नेगेटिव सप्लाई प्रॉब्लम होने के लिए भी प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात, अब कलर प्रॉब्लम के लिए ये बेस बोर्ड अब नया लगाया, सब कुछ ट्रांजिस्टर चेंज किया और ये रेजिस्टेंस जायो जिनर सब कुछ चेंज किया। चेंज करने के बाद आपको कलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों आपको पिक्चर ट्यूब को एक बार चेक करना होगा। तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब चेक कैसे किया जाता है, उसके ऊपर मेरे चैनल पर दो वीडियो है। मैं वो दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे देगा, आप उस तरह वो पिक्चर ट्यूब ओके है कि नहीं आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों TV प्रॉब्लम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी डिस्कस करना चाहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहता हो, तो आप मेरा फेसबुक पेज पर आ सकते हो। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे देगा मेरा फेसबुक पेज का। और दोस्तों मेरा सभी का वीडियो के अंदर फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वो लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज पर आके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।